आने वाले समय में आप किसकी सरकार देखना चाहो? कांग्रेस। मेरे हिसाब से कांग्रेस आना चाहिए। अपने हाथ में थोड़ी अपना एक वोट किधर भी डालेगा तो ऐसा एक वोट से थोड़ी बनेगा भाई। कांग्रेस की। कांग्रेस की क्या वजह है? कांग्रेस बस बस बोल दिया ना, कांग्रेस की सरकार हो जो इस चक्कर में रहे कि गवर्नमेंट यानी सरकार हमारे खाते में पैसा डालेगी वो महा बेवकूफ है, समझ गए? क्या वजह है कांग्रेस? कांग्रेस ही अभी तक बेहतर किया, ये आया जब से देखो ना, सबसे बड़ा शिक्षा पूरा जो अभी चालू है वो नर्सरी का वो भी बंद कर दे रहा है। जब आदमी बच्चा तालीम नहीं हासिल करेगा तो देश को कैसे चलाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा? हर सूबे में तो तालीम लगती है, एजुकेशन लगता है कि नहीं लगता? तो उसके लिए सबसे सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ इसी चीज का हुआ, खाने पीना और ये काम धंधा चले के नहीं चले वो छोड़ दो, आदमी जी लेगा लेकिन ये नहीं रहेगा तो जी नहीं पाएगा। एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और यही चीज जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं। सिर्फ महंगाई बढ़ते आई है, मैं खुद माले गाँव का हूँ, आया हूँ त्योहार करने, भाई वहाँ पूरे देश में महंगाई ही है सिर्फ, दूसरा और कुछ नहीं। और अब की कोशिश करेंगे, कांग्रेस हम लाएंगे, बीजेपी और शिवसेना या कांग्रेस ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा काम का है। सरकार किसकी भी हो काम होना चाहिए, किसकी भी हो किसी को किसी से तकलीफ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के सब नेता बीजेपी में जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? वो ईडी डर है उनको, ईडी और यहाँ ईडी नहीं है, और ईडी कहीं भी हो कुछ भी हो, बहरहाल कांग्रेस घर सूरत में लोग पसंद करते हैं, गैर मुस्लिम भी मुस्लिम भी, देश के भी विदेश के भी लोग कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी को जिसको मैं पहचानता नहीं, देखा नहीं हूँ, उसको कैसे बताऊँ? राहुल गांधी अभी रड़ुआ है, हम लोग शादीशुदा है, उसको कहाँ समझ में आएगा? रुक जब है, जो जो शादी करके अपनी बीवी को छोड़ दे भगा दे वो देश कैसे चलाएगा मेरे भैया? हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, चूहा कैसे फंसता है पिंजरे में? फंसता है ना, कैसे? रोटी का एक टुकड़ा देख के फंस जाता है, हम लोग 5 किलो चावल और गेहूं पे फंस गए हैं। वो तो लो बढ़िया से लो फंस गए हैं ना, कैसे फंसे हैं? बुरी तरह फंसे हैं। तो अब किसको बोलूं, कौन अच्छा कौन खराब? कांग्रेस ने वही अपनाया, 5 किलो गेहूं चावल, वही जी बीजेपी कर रही है, किसके बारे में बोला जाए? कारोबार खत्म। लाइक केजरी प्लीज, इन फैक्ट आई एम वेरी सॉरी, पहले नंबर में बोल दिया, मैं गलत बोला हूँ तो मुझे सब लोग मारो, सब मारो, सब मारो, पूरा देश विदेश तक मारो। मोदी जी का गारंटी अब की बार 400 पार, क्या लगता है? मोदी सरकार की तो पिछले 12 साल पहले से और 6 महीना इलेक्शन के पहले से ही बोल रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, इसका क्या राज है? कुछ ना कुछ इसमें है, तभी बोल रहे थे ना, इलेक्शन अभी 6 महीना बचा है और अभी से नारा लग रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला पीला है। तब से बीजेपी सरकार आई तब से जनता चिल्ला रही है, जनता की कहीं सुनवाई हो रही है? सिर्फ भी जनता की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, हर जगह सिर्फ मोदी सरकार चल रहा है और गोदी मीडिया चल रही है, दो ही चीज़ चल रहा है भाई। अगर आप भी गोदी मीडिया तो आप भी मत बनाइए वीडियो। मैं अगर गोदी मीडिया तो मैं इतना कवर क्यों करता? क्योंकि मीडिया मीडिया चारों तरफ जाती है, मीडिया चारों तरफ जाती है, हर किसी की बात सुनती है, लेकिन दिखाती वही है जो बीजेपी बोलती है। आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको सब मिलेगा। वो मैं क्या बोला, आपको दो ऑप्शन दिया कि अगर आप गोदी मीडिया है तो मत बनाइए, और अगर आप रियल में मीडिया तो आप वीडियो बनाइए और आगे पहुंचाइए कि जनता को क्या तकलीफ है, क्या वो है। हर एक चीज की महंगाई होते चली जा रही है, पहले अगर कोई चीज की महंगाई जरा भी हो ये बीजेपी वाले धरना दे देते थे, ये चीज का भाव इतना बढ़ गया, आज वही उसका डबल ट्रिपल वो करते चले जा रहे, अब कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला है? इनको यही लीड लाए थे हम बीजेपी सरकार को, हमको 5 साल दो 5 साल दो, 5 साल के बजाय 10 साल ले लिए, क्या किए? उससे ज्यादा महंगाई कर दिए, जनता को परेशान कर दिया, आज कितने बेरोजगार आत्महत्या कर लिए, उसका कोई हल निकला? कुछ नहीं निकला, सिर्फ हम बोल रहे चिल्ला रहे लेकिन बीजेपी सरकार कुछ नहीं सुन रही, खाली वो धर्म के नाम पे लोगों को उत्साहित करा के दंगा फसाद कराती और कुछ नहीं करा रही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कह रहे जिनकी पार्टी मजबूत नहीं है उन वो देश को मजबूत क्या करेंगे, उनका डायरेक्ट कहीं ना कहीं इशारा इंडिया गठबंधन पे है। मैं बोलता हूँ जब तक कांग्रेस पार्टी चली है हर इंसान खुशहाल था, आज कांग्रेस पार्टी हटने के बाद कोई इंसान मुझे बोल दे खुशहाल हूँ?
हर कोई परेशान है, किसी भी इंसान से मिलने चले जाओ भाई बहुत तकलीफ में चल रहे हो। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, अभी आप की देखा जाए कहीं कोई मुस्लिम बंदा चले गया कोई नॉन मुस्लिम एरिया में तो उनको मारा जाता। हमारे यहाँ भी ये होटल चलती, यहाँ भी नॉन मुस्लिम बच्चे धंधा करते हैं, उनको हम कोई बदतमीजी करते उनको मारते कुछ नहीं। हमारे अंदर इंसानियत, हम सबको साथ में लेके चलते। आज हर जगह धर्म परिवर्तन हो चुका और इसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी सरकार है और कोई नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी थी हर धर्म वाले साथ में रहते थे, आज हर धर्म साथ में, आज हर धर्म वाले एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा।